तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा हम दार्जिलिंग आ चुके थे और आज हम जा रहे हैं पद्मा जा जूलॉजिकल पार्क, जो एक जू है और जिसमें तरह तरह के जानवर हैं। एक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जिसमें माउंटेन से रिलेटेड जो पर्वतारोही थे उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें भी जाने वाले हैं। और जो किराया है वहाँ का, मतलब रेंट रहता है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या जू के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, वो सब ब्लॉग के अंदर मैं आपको बता दूँगा। इसलिए ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना। तो अभी हम बस जू पहुँचने वाले हैं। तो भाई आ चुके हैं दार्जिलिंग में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसके अंदर जाने वाले हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और ये जू है। इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से जानवर हमें मिलते हैं। ये देखिए कैसे कर रही है अभी कोरियन ड्रेस पहनी थी, ठंड लगी तो जैकेट में आ गए, टोपे लगा ली और सब मतलब रेडी हो के आए, क्योंकि दार्जिलिंग में ज्यादा ठंड है। इतना फेस तो लग रहा था कि पैरालाइज हो गया है। तो दोस्तों आपको बताऊं, दार्जिलिंग में ज्यादा ठंड है और गैंगटॉक में इतनी ठंड नहीं। फ्लैग नहीं घूम रहा बंदा, ये पता नहीं अर्जेंटीना का तो नहीं है, अर्जेंटीना का फ्लैग लगा हुआ है गाड़ी में तो ये है जूलॉजिकल पार्क। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कितने का टिकट है, कौन से जानवर मिलते हैं सब बताएंगे। तो ये है जू का मुख्य गेट, यहाँ से टिकट लेना होता है और टिकट है जू का 110 रुपए का, 110 रुपए, कैमरा का 10 रुपए, तो कैमरा 10 रुपए, ठीक है। फॉरनर्स हो तो 180 रुपए लेके आना है और जू में आप एंटर करोगे तो 110 रुपए, बाकी इतना ही है। और टाइमिंग 8:30 बजे से 4 बजे तक शाम तक, ठीक है, कभी भी आ सकते हो। दार्जिलिंग थर्सडे को क्लोज रहता है, तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये रहा जू का टिकट और ये 4 यूनिट पर यूनिट 4 है और 440 रुपए का है। QR कोड लिखा है, ये स्कैन होता है तभी इसके अंदर जाने देते हैं। हाँ खींच लीजिए, चल इधर से चलना है। क्या है, खाली नहीं है? अरे क्या है ये, क्या है ये, बकरी है क्या? हिमालयन डियर्स, हिमालयन डियर्स, हिमालयन बकरी है जी। चलो अच्छा, हिमालयन शीप, हिमालयन शीप, हिमालय की देखना, बाल देखना। हाँ चलो चलो चलो, ये है हिमालयन सीप। अब चलते हैं आगे, हिमालयन सीप भी देख लिया, आगे बहुत बड़ा पार्क है। हिमालयन टार, हिमालयन तार, हिमालयन तार, ये क्या है, वारासिंगा गजेल, गजेल क्या है ये, गोट है, गोट बकरा, किसी और टाइप की है, हिमालयन होगी ये। सांबर डियर, एक ये बैठा है और एक वो बैठा है उधर। ये है याक, सस्ती कमजोर याक डाल रखे। तो ये है याक, वीक है। तो आपने अभी तक बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन अभी दिखाएंगे बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ले लेकर के बुला रहा है ये हाँ वो है जानवर। अरे हाँ वो है भाई, नाम पढ़ वेल इसका, टेकिन क्या है ये, मिसमी टेकिन, ये है मिसमी टेकिन। तो आप देख सकते हो ये मिस मी टैक इन, पता नहीं पहली बार ही देखा है मैंने, पहली बार ही नाम सुना है, लेकिन अंदर पे दिखेगा नहीं। तो आगे है HMI, नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। चलते हैं भाई।
पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज भी हो रही हैं, क्या बोलते हैं इसे, रोप कोर्स देख सकते हो भाई, ये गया इधर से, काफी छोटा है काफी छोटा एक्टिविटी है लेकिन देख सकते हो अच्छा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, कर सकते हो आप लोग। ये है, ये हाँ छोटे छोटे कुछ काम है यहाँ पे भाई, माउंटेन तो ये है पर्वतारोहण संस्थान लेक। तो भाई चल रहे हैं ऊपर की तरफ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, ये कुछ मैप है इसका, किधर से संग म्यूजियम है ऊपर, म्यूजियम है, म्यूजियम में जाना होता है, संग्रहालय इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से एंट्री है, इधर से चलना है, हाँ इधर से चलना है, चल। तो ये संग्रहालय का रास्ता, आप इधर से जाएंगे तो ये संग्रहालय पड़ेगा, म्यूजियम है, और कभी भी आते हो भाई दार्जिलिंग तो जरूर ही आना, बता रहा हूँ 110 रुपए का टिकट है, सस्ता है। यहाँ पे लोग देखिए फोटो खिंचा रहे हैं जो यहाँ की लोकल ड्रेसेस है वहाँ वो पहन के। तो चलिए म्यूजियम चलते हैं, और कैमरा शायद अलाउड नहीं है तो इसलिए बंद कर लेते हैं। तो भाई म्यूजियम देख लिया, बहुत ही बढ़िया है, हिटलर की हमें दूरबीन मिल गई थी, टेलीस्कोप पुरानी वाली, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी आते हो तो जरूर देखना। हिटलर ने गिफ्ट की थी, हाँ वो थे महाराजा जंग नेपाल के जो कमांडर थे ना उस टाइम पे, उनको गिफ्ट की थी, फिर वो उनको पास हो गई उनके संग, फिर वो जनरल हुए वहाँ के। बाकी बहुत तरह के वीडियो कैमरा थे, सिनेमा कैमरा थे, और ये है म्यूजियम, जरूर आना जरूर से जरूर। तो गाइस यहाँ पे हमें टाइगर दिख गया है ये रहा भाई, बहुत चूका था है, मतलब साइलेंस ओके। तेंदुआ यहाँ पे देखिए गाइस, तेंदुआ सो रहा है अभी, और प्लीज साइलेंस, कुछ कुत्ता है क्या, आइए ओए मोगली वाला, क्या नाम है इसका, जैगवार है ये, और मेरा फोटो खींचना, ब्लैक पैंथर है ये रहा सो रहा है, क्योंकि कल हमने जो वहाँ का जो दिखाया था पश्चिम बंगाल वाला, उसकी तरह इसमें वर्ड्स हैं। चलो चलो फ्रेंड, इसमें है हिमालयन वुल्फ एंड ये सो रहा है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में, ये तो हाँ सीधा लग रहा है। क्या क्या रही वुल्फ फिल्म बैठे धूप में, धूप के लिए बैठे हैं एक गुस्टा बना के बैठे हैं ये तो तो दोस्तों ये है लंगूरी बंदर, और ये देखिए मतलब इकट्ठे होके बैठे हैं, ठंड लग रही है इसलिए इकट्ठे होके बैठ गए अभी, ब्लैक मंकी सारे काले बंदर। ये भाई दार्जिलिंग की लोकल ड्रेसेस, तो ये काफी बड़ा जू है, इसको घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम चाहिए, 2 घंटे में आप आराम से पूरा जू अच्छे से घूम पाएंगे। तो गाइस इसमें है पांडा, और ये बैठे भाई ऊपर को, ये भाई रेड पांडा और बैठा है ये ऊपर,
पांडा सो रहे हैं सब, इन्हें ठंड लग गई है सबको। तो यहाँ पे ये एक्वेरियम बना रखे हैं जिसमें तरह तरह की फिशेज है। ये काली वाली एक, ये देखिए दोनों इसके अंदर हैं, एंड आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो इसमें ये वाली फिशेज हैं, और देख सकते हो ये तैर रही है इधर, ये इधर तैर रहे हैं। कौन सी वाली? ओ भाई ये देखो छोटी छोटी सी है फिशेज। ठंड बिल्कुल, ये जंगल कैट है, जंगली बिल्ली। इसका मुंह शिकार कर रही है, वो खा रही है, वो जो से दे रही है। कुछ करेगी वो वाली, कुछ खा रही है ना नीचे वाली। लड़ा जाए लड़ा जाए, मजा आएगा। बढ़ जा, अरे बढ़ जा, लड़ जा बस।